आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। इनका कोई चार्ज नहीं है, यह चैनल बिल्कुल फ्री है। हाय, वेलकम टू अनी फैशन। आज हम आपको दिखाएंगे अम्ब्रेला कट सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। इसमें हमने जो योग बनाया है फ्रंट में, उसमें हम चैन लगाएंगे और कॉलर लगाएंगे। कॉलर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और इसमें हम अम्ब्रेला कट बाजू भी बनाएंगे। चलिए दिखाते हैं अम्ब्रेला कट सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ साड़ी में से वन पीस किस तरीके से कटिंग किया जाता है। ये मैंने अस्तर लिया हुआ है 3 मीटर और ये पूरी साड़ी है 5.5 मीटर। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से कटिंग करा जाता है। पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर हमने पूरा 3.5 मीटर हमने अस्तर लिया हुआ है। अस्तर को पूरा इस तरीके से खोल करके पहले हम योक की कटिंग करेंगे, ऊपर वाले पल्ले की। इसका नाप है 47 इंच लंबाई है, ये तैयार नाप है। तो 40 इंच चेस्ट है और 36 इंच कमर है। अब हम इसको अस्तर को इस तरीके से बराबर करके फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से हम दोनों किनारों को मिला करके एक साइड से बराबर कर लेंगे। ये दोनों किनारे हमने बराबर कर लिए हैं इस तरीके से। अब जो ये बंद साइड है ये अपनी तरफ होनी चाहिए और ये ऊपर की साइड का पल्ला रखेंगे तीरे की तरफ का और ये नीचे कमर की तरफ का। ये बंद साइड से हम सेंटर बना लेंगे इस तरीके से। ऊपर से बराबर हम सीधा निशान लगाएंगे इस कपड़े के ऊपर। जो अस्तर हमने बिछाया है इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे और तीरा इधर से रहेगा और कमर की साइड इस तरफ। यहाँ से हम लंबाई रखेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया है सीधा। योक का नाप है 14 इंच है तो हम आधा इंच बड़ा रखेंगे क्योंकि आधा इंच कमर के लिए और आधा इंच ऊपर कंधे के लिए। तो हम 14 नहीं तो हम 15 इंच रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से। चेस्ट का नाप रखेंगे हम 7 इंच पे क्योंकि ये कॉलर वाला है तो इसलिए हम 7 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे और ये यहाँ से भी कमर के निशान से भी। अब ये मैंने नाप बताया था 40 इंच है तो 40 का आधा कर लेंगे तो 20 इंच, 20 इंच का आधा करा तो 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 36 इंच कमर है तो 36 का आधा 18 इंच, 18 का 9 इंच, 9 इंच कमर पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये निशान चेस्ट के निशान में सीधा मिला लेंगे इस तरीके से, शेप देते हुए हल्का सा। ये हमने नीचे बॉडी का निशान लगा लिया। अब हम ऊपर जो हमने ये सीधा करा था तीरे का निशान लगाएंगे 8 इंच पे क्योंकि इसमें कॉलर है। इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से चेस्ट के निशान पे भी 8 इंच का निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा करके हल्का सा 1 इंच नीचे की तरफ 1 इंच तिरछा कर लेंगे स्केल को और ऊपर से हम बराबर रखेंगे। अब आर्म होल के लिए शेप देंगे। ऊपर से आधा इंच हम कंधे की तरफ से तिरछा निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर से जो तीरे का है तीरे से हम नीचे प्लेट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। 10 इंच प्लेट है तो आधा इंच हम बढ़ा करके क्योंकि कंधे में आधा इंच मार्जिन जाएगा इसलिए 10.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब प्लेट की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच यहाँ से रखेंगे बंद साइड से। ऐसे ही सेम नीचे 3.5 इंच की चौड़ाई रख लेंगे प्लेट की।
अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। साइड का मार्जिन लेंगे हम 2.5 इंच मार्जिन लेंगे, इस तरीके से 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और ऊपर से भी सेम। अब दोनों निशान को हम मिला लेंगे। जो ये हमने बंद साइड रखा हुआ है, इस साइड से हम जिप लगाएंगे तो इसलिए हम सामने से हम कट कर लेंगे। ये बंद साइड है, इसको भी हम कट कर लेंगे बीच से। ये हमने कट कर लिया। अब ऊपर हम चौड़ाई रखेंगे, कॉलर की चौड़ाई जो रखते हैं हम, ये ऊपर से 3 इंच। ये हमारी गले की चौड़ाई हो गई है 3 इंच। फिर इस निशान से हम 4.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 4 इंच पे हमने गोलाई का निशान लगाया है और ऐसे ही सेम जैसे हमने यहाँ चौड़ाई रखी है उतने ही 3 इंच पे हम सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम शेप देंगे गोलाई में पूरा ऊपर तक, कटिंग कर लेंगे। ये गहराई हो गई जिसमें हम कॉलर लगाएंगे 4 इंच। अब इसके बाद हम बैक पल्ला की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पल्ला बिछाया था उसी तरीके से सेम बैक पल्ले को भी हम उसी तरीके से बिछा लेंगे। इसमें भी हमने बन साइड अपनी तरफ रखा है, ये सेंटर है बन साइड का, ये हमने सेंटर बनाया हुआ है। इस पर हमने ये जो हमने आगे का पल्ला कटिंग करा था इसको हम इसके ऊपर रख करके कटिंग करेंगे। ध्यान रहे कि सेंटर से आगे का पल्ला बराबर बिछा होना चाहिए, एकदम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऊपर से बराबर कटिंग करेंगे और यहाँ से जो आर्मोल की साइड है 1 इंच, इस तरीके से जो ये राउंड है 1 इंच निशान लगा लेंगे और कंधे से यहाँ से इस तरीके से इस निशान से मिलाते हुए चेस्ट में शेप दे देंगे राउंड में। जैसे हमने आगे के पल्ले में प्लेट डाली थी उसी तरीके से सेम हम जो ये निशान लगा हुआ है उस कट लगा लेंगे। इस तरीके से पीछे के पल्ले में भी कट लगा लिया है, सेम निशान हम पीछे के पल्ले पे भी लगा लेंगे। इस तरीके से हमने पीछे के पल्ले पे निशान लगा लिया प्लेट का और इस कट से हम सीधा मिला लेंगे। ये तो हो गई आग ऊपर के पल्ले के योक की कटिंग। अब हम नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। पहले हमने योक कटिंग करने के लिए इस तरीके से बिछाया था किनारे मिला करके। अब हम इसको हम इस तरीके से पूरा खोल लेंगे और इस सिरे से लेके दूसरे सिरे तक इस तरीके से बराबर मिला करके इसको ऐसे किनारे से किनारा मिला लेंगे। अब ये नीचे का घेरे के लिए हम कटिंग करने के लिए इस तरीके से बिछाएंगे। ये इस तरीके से मैंने ये पूरा खोल करके इस तरीके से किनारा मिला करके बिछा दिया है अस्तर को। और जो ये कोना है इस कोने से और इस कोने तक इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे जैसे अम्ब्रेला स्टाइल में। और इस कोने तक बराबर मिला लेंगे। इस तरीके से हमने ये तिकोने में बिछा लिया है। 36 इंच कमर है तो 36 का आधा 18 इंच, 18 का आधा 9 इंच, चौथाई भाग हम इस तरीके से 9 इंच यहाँ पे रखेंगे और गोलाई में हम इस तरीके से
निशान लगा लेंगे यहाँ पे 9 इंच पे, और सेम ऐसे राउंड में लेते हुए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमने राउंड में कमर का निशान लगा दिया। अब जो ये हमने योक काटा था, ऊपर वाले पल्ले को हम रखेंगे इसके ऊपर, इस निशान से 1/2 इंच हल्का सा इसके ऊपर चढ़ा करके और सीधा रखेंगे, जो ये जो कोना है इसके ऊपर इस तरीके से सीधा रखेंगे। ये हमने योक का आगे का पल्ला इसके ऊपर सीधा एकदम इस तरीके से स्ट्रेट रख दिया। अब यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। लंबाई थी 47 इंच लंबाई है, तो हम 1 इंच, 1 या 1.5 इंच हम घटा करके निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच अस्तर कम रहता है कपड़े से, तो हम 45.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 45.5 इंच पे लंबाई का निशान लगा लिया हमने अस्तर का। अब ऊपर वाले जो योक का पल्ला हटा करके और इस कोने से नापेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है, ये आ रहा है 43 इंच निशान आ रहा है। तो इसको इस तरीके से राउंड में निशान लगाते जाएंगे। अब जो ये हमने निशान लगाया है इसको हम राउंड में निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से कमर की साइड से हम कटिंग करेंगे, ये निशान से ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ करके। नीचे घेरे की तरफ से जैसे हमने निशान लगाया है सेम उतना ही कटिंग कर लेंगे। अब ये जो नीचे का पल्ला है ये इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। किनारे से किनारा मिला करके और डबल रखेंगे, क्योंकि ये 2 पल्ले हैं और ऐसे ही सेम हम 2 पल्ले मिला करके इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हमने अस्तर रखा है इसके ऊपर किनारे के ऊपर चढ़ा करके 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से, और इस तरीके से इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये नीचे का घेरा हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम ऊपर का कपड़े की कटिंग करेंगे। ये दोनों साइड किनारा है इस साड़ी में, तो हम इसमें पहले किनारे को कटिंग करके अलग से निकाल लेंगे। ये मैंने साड़ी में से दोनों साइड से किनारा निकाल लिया है ये बॉर्डर। अब इसको एक साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जैसे हमने अस्तर को फोल्ड करा था उसी तरीके से सेम बराबर फोल्ड कर लेंगे। ये जो बंद साइड है अपनी तरफ रखना है, ये सेंटर है, ये बंद साइड का अपनी तरफ रखेंगे। और पहले हम इसको रखेंगे आगे के पल्ले को, जो हमने अस्तर की कटिंग करी थी आगे के पल्ले को इस तरीके से रख लेंगे। बराबर रखेंगे और ऊपर का हिस्सा ये है, और ये बैक साइड का पल्ला है, ये इसको भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे।
अब हम कटिंग करेंगे ऊपर से। मैंने यहाँ से थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करा है, और जो ये साइड है इसको भी हम आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। साइड से और आर्मोल ये पूरा हमने आधा आधा इंच कटिंग करना है छोड़ते हुए कपड़े को, और नीचे कमर की साइड से बराबर कटिंग करेंगे अस्तर के बराबर। अब ऐसे ही सेम बैक पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये आगे के योक का पल्ले की कटिंग इस तरीके से आधा इंच मैंने पूरा साइड से लेकर के पूरा आर्मोल तक आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए, और मैंने गले के पास से भी आधा एक इंच कपड़े को छोड़ते हुए कटिंग कर लिया है। ऐसे ही सेम बैक पल्ले को भी। अब इसके बाद हम नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसकी घेरे की कटिंग करेंगे। पहले हम ये सीधा कर लेंगे काट करके। जैसे हमने अस्तर को बिछाया था पूरा खोल करके, ऐसे ही सेम इसको कपड़े को भी हम इसी तरीके से बिछाएंगे। इस तरीके से मैंने तिकोना करके कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब जो हमने डबल करा तो ये चार पल्ले हो गए हैं, दो ये और दो ये नीचे वाले। इस तरीके से तिकोना करके हमने बिछा लिया। अब जो मैंने ये अस्तर काटा हुआ था नीचे का घेरे का, इसके ऊपर रखेंगे हम। सेंटर से बराबर रखना है और साइड से आधा आधा इंच छोड़ते हुए। इस तरीके से ये मैंने अस्तर बिछा लिया। अब हम जो हमने आगे का पल्ला काटा था ऐसे ही हम सेम रखेंगे लंबाई नापने के लिए। इस तरीके से इसके ऊपर पहले हमने इस तरीके से रखा था अस्तर की लंबाई नापने के लिए, अब ये हम इस तरीके से रख रहे हैं कपड़े की लंबाई नापने के लिए। 47 इंच लंबाई है तो ऊपर से लंबाई रखेंगे इस तरीके से। 47 इंच लंबाई है तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे क्योंकि नीचे फोल्ड के लिए 48.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये जो कोना हमने तिकोना करके बिछाया था यहाँ पे भी हम इस तरीके से रखेंगे इंच टेप, और जहाँ तक हमने लंबाई का निशान लगाया था अड़तालीस है तो ऐसे ही सेम यहाँ से इंच टेप नहीं हटाएंगे कोने से, ऐसे ही हम राउंड में निशान लगाते जाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे निशान के ऊपर, और ऊपर से कमर से हम बराबर निशान से अस्तर के ऊपर सेम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये नीचे के घेरे की कटिंग हो गई है। अम्ब्रेला बाजू कैसे बनती है हमने स्पेशल एपिसोड दिखाया हुआ है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें सब्सक्राइब शेयर और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।